तो हेलो जी, नमस्ते, वेलकम, स्वागत, सत श्री अकाल, एंड मी आपका छोटा भाई तेजपाल। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों, आप देख रहे हो यूपी वाला और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ बॉलीवुड के एक्शन मूवियों के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए दोस्तों, उस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली ऐसी ही अपडेट सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हाल ही में बॉलीवुड से एक मूवी रिलीज की गई है जिसका नाम है गदर, जिसने कि बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही गदर मचा दी। दोस्तों, इस मूवी की जितनी भी बात की जाए वो कम ही कम है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सत्य है। इस मूवी को रिलीज होते ही लोगों का एक्साइटमेंट कुछ इस तरीके से बढ़ा कि इस मूवी को देखने लोग थिएटर इस तरीके से पहुंचे कि बहुत लंबी लाइनों में उन्हें लगना पड़ा, और तो और घंटों घंटों वेट करने के बाद उन्हें इस मूवी का टिकट मिला, तब जाके उन्होंने ये मूवी देखी। बात तो सही है। लेकिन दोस्तों, गदर 2 के बाद जल्दी रिलीज होने के लिए जरिए SRK की जवान, जो कि काफी जल्दी हम सबको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाली है। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि शाहरुख खान की आने वाली जवान को लेकर भी शाहरुख खान के फैंस इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं कि उन्हें भी लाइन में लग के टिकट लेना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जब 2023 के शुरू में शाहरुख खान की मूवी आई थी पठान, जिसने की बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया, एंड इस मूवी को भी देखने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ा था। दोस्तों, अब देखना यह है कि जवान को कैसा रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता। एंड दोस्तों, आपकी ज्यादा जानकारी के लिए बता दूं, जवान मूवी के बाद भी बॉलीवुड से एक और दमदार मूवी देखने के लिए मिलेगी जिसका नाम है Tiger 3, जलवा है हमारा, जिसमें कि हमें एक्शन भरपूर देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं दोस्तों, अगर इस मूवी स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें सलमान खान के साथ साथ शाहरुख खान, इमरान हाशमी एंड कैटरीना कैफ लीड रोल में नजर आने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड दोस्तों, अगर इस मूवी की रिलीज डेट की बात की जाए तो हमें 10 नवंबर को सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों, इसी के चलते इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।